क्या आप जानते हैं, दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी एक भारतीय सर्जन महर्षि सुश्रुत ने की थी, और वो भी 2600 साल पहले। प्राचीन भारत के ये फिजिशियन, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उन्होंने 300 सर्जरीज का इन्वेंशन भी किया और उसे सिखाया भी। आखिर कहां से मिली सुश्रुत को सर्जरी की प्रेरणा और कैसे किया उन्होंने ये इन्वेंशन? ऐसे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे एपिकपीडिया के आज के वीडियो में। लगभग 2600 साल पहले वैदिक कालखंड में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था सुश्रुत। सुश्रुत उत्तर भारत के एक पुरातन और पवित्र शहर काशी में रहते थे, जो आज बनारस या वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उस जमाने में ज्ञानियों को साधु या महर्षि कहा जाता था। ऐसे ही एक ज्ञानी सुश्रुत भी थे। काशी के महाराज काशीराज दीवोदास से महर्षि सुश्रुत ने मेडिसिन का ज्ञान प्राप्त किया और वो वैद्य बने। एक वैद्य होने के नाते वो उस समय में युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज करते थे। उन सैनिकों की अवस्था को देख सुश्रुत को सर्जरी की प्रेरणा मिली, जिससे वो सैनिकों के शरीर के टूटे हुए अंग या जख्मों को सर्जरी या शल्य क्रिया के द्वारा ठीक कर सके। उस जमाने में किसी अवैध अपराध की शिक्षा के तौर पर अपराधी का नाक काटने का दंड दिया जाता था। सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी का आविष्कार किया, जिससे वे टूटे हुए नाक को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सके। सुश्रुत दुनिया के पहले कैटरैक्ट सर्जन भी थे, जिन्होंने कई लोगों के आंखों के दोष को ठीक किया था। करुणा और स्नेह से अपना काम करने वाले सुश्रुत ने सर्जरी जैसी वैज्ञानिक विद्या का आविष्कार किया, जो कि उस समय में बिल्कुल ही नया था। इन्हीं कारणों की वजह से उन्हें फादर ऑफ ऑल सर्जरी भी माना जाता है। सर्जरी के आविष्कार के साथ साथ सुश्रुत को ये ज्ञान हुआ कि उन्हें कई सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत होगी, और जरूरत ही हर खोज की जड़ होती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सुश्रुत ने 121 इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माण किया, और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले सर्जन थे। इन आविष्कारों से यही पता चलता है कि महर्षि सुश्रुत का ज्ञान समय की कसौटी पर खरा उतरा है। सुश्रुत ने अपने इस अमूल्य ज्ञान को विस्तार से एक संस्कृत स्क्रिप्ट के रूप में लिखा, जिसे सुश्रुत संहिता कहा जाता है। सर्जरी की प्रोसीजर बताने वाली यही संस्कृत स्क्रिप्चर आयुर्वेद के 3 पिलर्स में से एक है, और अथर्ववेद का भी एक खंड है। सुश्रुत संहिता से पता चलता है कि सुश्रुत ने कैसे बिना किसी नाइफ के मृत शरीर का डाइसेक्शन और उनका अध्ययन किया। उनका ह्यूमन एनाटॉमी का अभ्यास करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। वो मृत शरीर को पानी में रख के उसे डीकम्पोज होने देते थे, और उस डीकम्पोजिंग बॉडी का समय के साथ अध्ययन करते थे। इसी से उन्होंने शरीर के स्ट्रक्चर का लेयर बाय लेयर निरीक्षण किया। इसी प्रयोग से सुश्रुत को सिजेरियन, अब्डोमिनल सर्जरीज और ब्रेन सर्जरीज जैसी कठिन सर्जरीज का इन्वेंशन करने में सहायता मिली। सुश्रुत संहिता के अध्याय 1.16 में नाक के रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी यानी कि राइनोप्लास्टी के बारे में विस्तार से बताया गया है। राइनोप्लास्टी के अलावा सुश्रुत कैटरैक्ट सर्जरी के लिए भी जाने जाते हैं। सुश्रुत संहिता के एक वॉल्यूम उत्तर तंत्र में इसके बारे में काफी विस्तार से लिखा गया है। ये प्रक्रिया मॉडर्न सर्जन्स को एक्स्ट्रा कैप्सुलर लेंस एक्सट्रैक्शन के समान लगती है, मगर सुश्रुत ने यही सर्जरी बिना आधुनिक उपकरणों के कर दिखाया था, जिससे उनके कौशल्य का पता चलता है। सुश्रुत संहिता 600 BCE में लिखी गई ये सर्जरी और मेडिसिन की अद्भुत संस्कृत स्क्रिप्ट 8वें शतक में एक अरब ट्रांसलेशन के रूप में दुनिया के सामने आई, जिसका नाम था किताब शासन अल हिंदी और किताबी सुश्रुत। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हेसलर ने इस संस्कृत स्क्रिप्ट को लैटिन में और म्यूलर ने जर्मन में लिखा। इस प्रकार सुश्रुत संहिता और उसके लेखक महर्षि सुश्रुत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान तो मिली, पर समय के साथ साथ उनका नाम और उनका महत्व पूरी
पूरी तरह से गुमनामी में खो गया। 1907 में कलकत्ता के कविराज कुंजलाल ने सुश्रुत संहिता का इंग्लिश में अनुवाद किया, पर उस ट्रांसलेशन को उतना रिकग्निशन नहीं मिला। 20वीं शताब्दी में जब दुनिया आयुर्वेद की ओर एक नए नजरिए से देखने लगी, तब उन्हें महर्षि सुश्रुत के मेडिकल साइंस और खासकर सर्जरी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में पता चला। सुश्रुत संहिता को एंशियंट इंडियन मेडिकल लिटरेचर के अनेक रत्नों में से एक माना जाता है। पाम लीफ पे लिखी गई सबसे प्राचीन सुश्रुत संहिताओं में से एक मैन्युस्क्रिप्ट लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी गई है। सुश्रुत ने मिडियवल इंडिया में सर्जरी के शास्त्र को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया। 600 BCE का वो समय आज गोल्डन एज ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। 2018 में रॉयल ऑस्ट्रेलेशियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने सुश्रुत का एक पुतला अपने कैंपस में बनवाया। सुश्रुत की इस असामान्य बुद्धिमता से प्रभावित होकर ही अमेरिकन सर्जन एलन व्हिपल ने कहा, ऑल इन ऑल सुश्रुत must be considered the greatest surgeon of the pre-medieval period. सुश्रुत का मतलब होता है जिनकी ख्याति सबने सुनी हो। महर्षि सुश्रुत ने अपने नाम को सार्थ कर दिखाया। पूरी दुनिया में अपने काम की वजह से वे प्रसिद्ध तो हुए ही, साथ ही साथ उन्होंने भारतीय मेडिकल नॉलेज को बाकी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा विकसित बनाया।